आपकी जिंदगी का एक एक दिन कम होते जा रहा है, आप लेकिन आज भी वहीं अटके पड़े हैं। अभी तक आपने लाइफ में कुछ ऐसा नहीं किया है जो आपको खुशी दे सके, जो आपको ये महसूस करा सके कि आपने अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए कुछ ऐसा किया है जिससे उन्हें खुशी हो, जिससे कि आपको खुशी हो। बस आप समय के साथ चलते जा रहे हैं और समय बीतता जा रहा है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पर अब आपको उस बीते हुए कल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। अब हमें आगे आने वाले कल में कुछ अलग करना है। छोड़ दीजिए जो पीछे हुआ आपके साथ, पीछे आपका कितना समय बर्बाद हो गया, अब उसके बारे में सोच कर भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सोच कर भी वो आपके हाथ में नहीं आने वाला। जो पीछे बीते हुए कल को नहीं छोड़ पाते, वो आगे चलकर कुछ नहीं पा सकते। जो समय बीत गया है उस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है, पर जो आने वाला कल है, जो आज है, हम उसमें कुछ कर सकते हैं। हम पीछे बीते हुए समय पर अफसोस करके कुछ नहीं पा सकते कि हमने कल किया होता तो ऐसा हो जाता। आज जो है वही सब कुछ है आपके लिए, तो आज से ही अपनी ज़िंदगी को एक लक्ष्य दीजिए, उस लक्ष्य पर काम करना आज से ही शुरू कर दीजिए। अब सब कुछ आपके लिए आज से ही है। इस नव वर्ष में हमें अपनी ज़िंदगी में एक नया सवेरा लाना है, नई उम्मीद लानी है और नई उन्नति करनी है। आपको आज से ही, इसी क्षण से ही अपने एक लक्ष्य को बनाना है और उस पर काम करना है बिना कुछ सोचे, क्योंकि जीवन में कुछ करना बहुत आवश्यक होता है। यदि हम ऐसे ही ज़िंदगी काट रहे हैं तो वो ज़िंदगी बेकार ज़िंदगी होती है। एक दिन इस दुनिया से सब लोग चले जाते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। तो जब तक आप जी रहे हैं तब तक तो आपको अपनी ज़िंदगी को एक नाम देना है, एक काम देना है और एक सफल ज़िंदगी बनानी है, क्योंकि मरने के बाद तो इंसान जीवन भर सोता ही रह जाता है। जब तक जी रहे हैं तब तक तो अपने लक्ष्य के लिए काम करना चाहिए। तो इस आने वाले समय में हमें अब बिना कुछ सोचे केवल अपने लक्ष्य पर काम करना है, एक लक्ष्य बनाना है और केवल उस पर मेहनत करनी है। और ये मेहनत पूरी ईमानदारी से करनी है, ये नहीं कि आप बस नाम के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। एक लक्ष्य बनाइए और उस पर ही आपको काम करना है। और इस वर्ष के बाद आपको अगले वर्ष एक सफल व्यक्ति बनकर दिखाना है। आप अगले वर्ष तक एक सफल व्यक्ति होंगी यदि आप इस वर्ष से ही अपने जीवन को सफल बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दें। अब आप ये सोच लीजिए कि ये वर्ष आपके लिए एक मौका है जिसमें हमें काम करना है, अपने ऊपर काम करना है। यदि आप सफल होंगे तो सब कुछ सफल ही सफल दिखाई देगा, और यदि आप सफल नहीं होंगे ना तो आपको जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई देगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। तो इसीलिए आज से ही प्रण लीजिए कि आपको कुछ अलग करना है, और आज से ही करना है, अभी से ही करना है। पीछे क्या बीत गया, क्या हमने नहीं किया, उस पर छोड़कर बस आज से ही, यही समय हमारे लिए है, यहीं से शुरुआत कीजिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।